अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अदील है और आप देख रहे हैं द बाइमर डूड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिटाची की स्पेशल केमिस्ट्री एनालाइज़र और इसका मॉडल है कुबास C311। उसका ये लैंप है, ये बेसिकली जो है ना हिटाची का ओरिजिनल लैंप ही है, मेड इन जापान है। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो 12 वोल्ट 50 वोल्ट का है। ये कोई फ्रिक्वेंटली महीने डेढ़ महीने के बाद आप जो है ना इसको चेंज करना पड़ता है। इसका स्पेशल तरीका होता है, इसकी मशीन की पूरी असम्बली खोल के फिर इसको हम चेंज करते हैं। और इसमें ये है कि अभी हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं कि इसको किस तरह से इन्होंने पैक किया हुआ है। ये बेसिकली इसकी पैकिंग है, ये पैक्ड आता है ऐसे ही। इसको आपने एहतियात करनी है कि आपने इसको हाथ नहीं लगाना और आपने ग्लव्स पहनने हैं और इसके साथ इसको यूज़ करना है। ये पैक्ड लैंप होता है। इसी तरह इसका ये कनेक्टर है जो कि मशीन के अंदर इंजर्ट हो जाएगा और ये इसका जो है वो लैंप है। और इसको हम अभी चेंज करके हम आपको मशीन के साथ चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए अभी मशीन की तरफ चलते हैं। ये मशीन पे आ गए हम। अभी हम इसका ये ऑन ऑफ बटन है, इससे मशीन जो है ऑन और ऑफ होती है। और इसी तरह ये इसका ऑपरेशन मोड और मेंटेनेंस मोड है। इसको हम स्लाइड अप करेंगे तो नीचे एक स्विच लगा हुआ है जो इसको मेंटेनेंस मोड पे और दूसरे मोड पे ले जाता है। अभी हम ये ऑपरेशनल मोड पे है, अभी हम इसको प्रेस करेंगे तो ये मेंटेनेंस मोड पे चली जाएगी। ओके, नाउ द मशीन इन ऑन स्टैंड बाई मोड और ये बेसिकली अब मेंटेनेंस मोड पे आ गई है। तो अब हम इसको ना रिप्लेस करते हैं। ओके, ये मशीन की मेन बॉडी है, यहाँ पे इसका वो लॉक है जो कि इसको स्लाइड अप और डाउन करता है। इसको हम ऑन करेंगे और इसका ये लॉक जो है वो पीछे चला जाएगा और पीछे आ गया है। अब इसको ये वाली जो असम्बली है बेसिकली इसके नीचे इसको खोलना पड़ेगा। इसके नीचे जो है वो इसका वो बल्ब लगता है तो इसको अभी खोलते हैं। ओके, ये इसकी मेन प्रोब है जो सैंपल लेती है, इसको हम साइड पे करेंगे। इसी तरह ये इसके डिफरेंट कनेक्शन है, यहाँ से इसको खोल के इसको साइड पे कर लेंगे। इसके अलावा इसके बाद ये वन बाय वन जो है ना इनको हम खोल के इसकी वो प्लेट को हम उठाएंगे। ओके, नौ सारे जो है स्क्रू वो हमने निकाली हैं। अब इनको जो है ना किवट्स को वन बाय वन यहाँ से डिटैच करेंगे। इसको ऐसे सिंपली इसको निकालना होता है, वो हम कर देंगे। ओके, तो अभी सारे जो किवट्स हैं वो हमने वन बाय वन करके इसको निकाल लिया है। अभी हम ये स्क्रू जो है ना इनको लूज़ करके इस असम्बली को बाहर निकालेंगे, इसको पुल आउट करेंगे तो सिंपली हमारे पास नीचे बल्ब की और बाकी चीज़ों की असम्बली सारी आ जाएगी। अच्छा, तो ये मेन बल्ब है और इसके साथ ये बेसिकली कनेक्टर लगा हुआ है। इसको हम स्क्रू को खोलेंगे और इसको बल्ब को बाहर निकालेंगे और इसको हम लूज़ कर लेते हैं। ये तैयार रहे कि यहाँ के साथ में ना सोल्यूशन चल रहा होता है तो ये लिक्विड चीज़ें जो है ना ये इलेक्ट्रिकल के लिए ना हार्मफुल्स होती हैं और इससे ना शॉर्ट सर्किट्स होता है। इसको जस्ट ऐसे पुल ऑफ कर लेंगे, इसको खोल लेंगे और बल्ब को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास नया बल्ब है और ये पुराना बल्ब है, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसके अंदर जो है ना बेसिकली स्क्रूज साथ में बिल्ट इन नहीं आते तो इसके ये वाले स्क्रूज हैं, हम इसको खोल के वो इसके अंदर फिट करेंगे, फिर हम मेन असम्बली के अंदर फिट करेंगे। तो अभी हम ये स्क्रू जो है ना इसको हम निकाल के इसके अंदर फिट करते हैं। ये हम नए बल्ब के साथ अब जो है वो स्क्रूज है ना उनको हम अटैच कर रहे हैं। आपने एहतियात करनी है कि जो बल्ब का जो मेन ये जो बल्ब का मेन पार्ट है उसको हाथ ना लगाएं जी। तो ये नया बल्ब जो है ना ये हमने इसकी फिटिंग के साथ ऊपर जो फिटिंग बनी हुई है उसके साथ हम इसको इंसर्ट कर देंगे और इसको इसके जो स्क्रूज हैं उनको हम टाइट कर देंगे। इसको बैलेंस रख के जो है ना वो हमने आहिस्ता आहिस्ता टाइट करना है। ओके, बल्ब की फिटिंग हमने कर दी है, इसका कनेक्टर भी हमने फिट कर दिया है। अब इसके ऊपर जो असम्बली जैसे जैसे हमने उतारी थी वैसे वैसे जो है ना हम इसको फिट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो प्लेट है उसको हम लगाते हैं।
ये प्लेट सबसे पहले हम इसके ऊपर फिट करेंगे, इसका ये वाला जो सुराख है इसके अंदर फिट हो जाता है। उसके बाद हम स्क्रू जो है ना इसके टाइट कर देंगे, और इसके बाद जो किबट्स हैं वो वन बाय वन सब में इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, किबट्स की जो फिटिंग है वो ये दो फिटिंग्स आती हैं, उसके साथ ये दो स्क्रूज आती हैं जो इसके ऊपर लगते हैं। तो ये बेसिकली छः फिटिंग्स हैं, छः किबट्स हैं और इनके साथ ये अलग अलग स्क्रू लगते हैं। तो अब सारी इनकर इसको फिट कर देंगे, और इस प्रोब्स का आपने ध्यान रखना है कि ये कहीं डैमेज ना हो। ये तो सारी जो छः की छः हैं वो किबट्स फिट हो गई हैं। अब जो है हम स्क्रू जो हैं उनको वन बाई वन करके इसके अंदर टाइट करते हैं। इसके स्क्रू सारे टाइट कर दिए हैं। अब ये जो है इसकी जो प्लेट है ऊपर वाली फिटिंग की, हम ये इंसर्ट कर देंगे। इसके साथ यहाँ पे जो प्लेट लगती है वो इंसर्ट करेंगे, और इसका जो बॉक्स है यहाँ पे उसको करके तो उसको स्क्रू करेंगे सबको। ओके, स्क्रू लग गए हैं। ये सारी प्लेट्स जो हैं इसकी सारी फिटिंग हो गई है, इसकी भी फिटिंग कर दी है। ये प्रोब जो हमने साइड पर की थी इसको हम मेन यूनिट पर ले आते हैं, और इसकी जो है फिटिंग भी ठीक है, बाकी सारे भी ठीक है। तो अभी इसको बंद करके अभी हम इसको चला के चेक करते हैं। बल्ब रिप्लेस करने के बाद सारी चीज़ें फिटिंग में बने हुए, इसको दोबारा हमने जो है ना ऑपरेशन मोड पे लेकर आना है। बटन प्रेस कर दिया, इसको बंद कर दें, और स्क्रीन के ऊपर जो स्टैंड बाई की ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसकी जो कैलिब्रेशन है वो रन करेंगे। ये इसका मशीन का बल्ब चेंज के बाद डेली जो मेंटेनेंस है वो हमने इसको चला दी है, और अभी जो है वो मशीन डेली प्रोग्रेस रन कर रही है, और इसके सारे अपनी जो रूटीन चेकअप है वो सारा कर रही है, और इसमें अगर कोई इशू होगा तो वो इसका जो है एरर दे देगी। थैंक यू।